मतगणना व्यवस्था तो आप देख आए होंगे, बहुत शुरू शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा बेहद अव्यवस्था थी। अभी तो मैं नहीं गई हूँ, अभी जाके फिर से देखूंगी। और मतगणना शुरू हो गई तो जैसे भी कैसे भी उन लोगों ने अपने को, जो मतगणना कर रहे हैं हमारे एजेंट्स हैं, उन लोगों ने अपने को एडजस्ट किया ही होगा किसी न किसी तरह से। आदमी हर तरह में जगह तो अपनी बनाता ही है, तो वो कष्टों के बावजूद, अव्यवस्था के बावजूद, असुविधाओं के बावजूद अपने काम में लगे हैं। रुझान देखिए, जो अभी तक पता चला है वो तो सपा के पक्ष में जा रहा है और आगे भी वही ट्रेंड कायम रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रत्याशी हैं, व्यवस्थाओं के जो है लेकर सवाल उठाए, भाजपा के प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी ने भी सवाल उठाए, सब उठाएंगे। देखिए कष्ट तो हर एक को ही हो रहा है ना, कष्ट तो कोई ये थोड़े ना है कि वो सपा के प्रत्याशी को हो रहा है तो दूसरे प्रत्याशी को नहीं हो रहा है, दूसरे को भी हो रहा होगा। मुझे अपने प्रत्याशियों का पता है क्योंकि उनकी शिकायतें मुझ तक आई और मैंने जाकर देखा, तो अव्यवस्था तो है, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसी अव्यवस्था थी जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कहीं का सक्षम प्रशासन हो और इस तरह की व्यवस्था हो।